नमस्कार, हिंदुस्तान एकीम चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे चंदना सर के बारे में। ये जो चंदना सर मैंने यहाँ पर डाबर कंपनी का लिया है, ये जो चंदना सर पेशाब संबंधी परेशानियों में काम आता है, तो इस वीडियो में बात करेंगे चंदना सर के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे इसके कंपोजिशन की। तो इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं वो आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है। सबसे जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है श्वेता चंदन, जिसके बेस पर बना हुआ है। उसके अलावा इसमें हरीवेरा है, गंबारी है, उत्पला है, पद्मका है, प्रियांगू है, लोदरा है, मंजिष्ठा है, पथरा है, नागरमोथा है, पीपली है। इसके अलावा इसमें द्राक्षा है, शालमरी है, कचनगरा है, अमरा है, दातकी है, द्राक्षा है, परपथा है, और इसके अलावा इसमें गुड़ा है, और इसमें शकरा है। इस प्रकार के इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाते हैं। जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए गए हैं सारे के सारे इसमें हर्बल है। बात करें इसकी एमआरपी की, तो ये 450 ml का है, जो 146 रुपये की एमआरपी में है। इसके अंदर आपको 680 ml का मिल जाता है। ये पुरानी एमआरपी का मेरे पास काफ़ी पुराना है, जिसकी एमआरपी 131 है। 450 ml से भी कम एमआरपी पर अभी इसका जो एमआरपी वो 180 से 190 रुपये है, और इसमें आपको 225 ml का भी मिल जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि चंदना सर किस किस प्रकार की समस्याओं में लिया जाता है, इसका उपयोग कैसे करना और किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि चंदना सर किस किस प्रकार की समस्याओं में लिया जाता है। तो ये चंदना सर है, ये मूत्राशय की जो परेशानी होती है, पेशाब संबंधी परेशानी होती है, उसमें खास करके काम में लिया जाता है। जैसे कि पेशाब में जलन को होना, पेशाब बूंद बूंद करके जलन के साथ आना, मूत्र नली में किसी प्रकार का अगर आपको परेशानी है, शोध है, उसमें काम करता है। अगर आपको पेशाब संबंधी किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, उसमें काफ़ी अच्छा काम करता है। और ये जो चंदना सर है बलकारक है। अगर आपको किसी प्रकार की कमजोरी है तो कमजोरी में भी काम करता है। ये पौष्टिकता से भरा हुआ है। अगर आपको किसी प्रकार की पौष्टिकता की कमी है तो पौष्टिकता में भी ये मदद करता है। शारीरिक कमजोरी में भी ठीक करता है, और रक्त विकार में भी काम आता है। अगर आपको खून की परेशानी है या शारीरिक कमजोरी, तो उसमें भी चंदना सर काफ़ी अच्छा काम करता है। और खास करके जो चंदना सर है पेशाब विकार में काम में आता है। अगर आपको पेशाब संबंधी कोई परेशानी है तो उसमें चंदना सर काफ़ी अच्छा काम करता है। अगर आपको पेशाब रुक रुक के आ रहा है, या पेशाब में जलन हो रही है, या पेशाब बूंद बूंद करके आ रहा है, तो अगर आपको पेशाब कम आने की परेशानी है, पेशाब में अगर कोई परेशानी आ रही है, तो उसमें चंदना सर काफ़ी अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये रक्त विकार और कमजोरी में भी काम करता है, कि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं वो कमजोरी में और रक्त विकार में भी काम में आते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि चंदना सर का सेवन आपको यहाँ पर कैसे करना है। तो चंदना सर का सेवन आपको यहाँ पर दिन में 2 बार करना है। इसका जो सेवन है वो आपको यहाँ पर 10 से 20 ml आपको चंदना सर लेना है। फिलहाल आप इसका जो सेवन है वो 10 से 20 ml कीजिए। 10 से 20 ml आपको दवाई लेनी है, और उतना ही आपको पानी लेना है। इसका जो आपको जो सेवन है दिन में 2 बार खाना खाने के बाद करना है, दोपहर को खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद। 2 टाइम इसका आपको सेवन करना, दोपहर में रात में। जैसे आपकी परेशानी कम हो तो आप इसको 20 से 10 ml तक भी ला सकते हो। फिलहाल आप इसका जो सेवन है वो 20 ml कीजिए। जैसे आपकी परेशानी ठीक हो रही तो आप उसका सेवन 10 ml कीजिए। और बात करें इसके साइड इफेक्ट, इसको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और बात करें इसके परहेज की, तो चंदना सब लेते वक्त आपको ठंडी चीज़ों का खास ध्यान रखना है। जिन चीज़ों की तासीर ठंडी है वो चीज़ आपको यहाँ काम में नहीं लेनी है। बर्फ़ की चीज़ें अगर आप काम ले रहे हो, फ्रिज की चीज़ें काम में ले रहे हो, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इस प्रकार की चीज़ें अगर आप काम में ले रहे हो, तो वो फिलहाल आपको दवाई के साथ में आपको बंद करनी है। और इसके कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। बात करें ये दवाई, तो ये दवाई आपको किसी भी आयुर्वेदिक यूनानी स्टोर में मिल जाती है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और ये जो चंदना सब मैंने यहाँ पर डाबर कंपनी का बताया है, तो आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, के हर सवाल जवाब कमेंट बॉक्स में देता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें। बाय बाय।